कोरोना ने लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन अब ये आदत लोगों को पसंद आने लगी है। देश में लगातार बढ़ती इंटरनेट की पैठ भी ऑनलाइन यूजर्स की संख्या बढ़ाने का काम कर रही है। इन सब के चलते आने वाले कुछ वर्षों में ऑनलाइन खरीदारी में कई गुना बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। MMA इंडिया और ग्रुप एम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2025 तक इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़कर 90 करोड़ हो सकती है। फिलहाल देश में 62.2 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। ऐसे में 2030 तक ऑनलाइन ग्राहकों की संख्या 50 करोड़ होने का अनुमान है। खरीदारों की संख्या बढ़ने से ऑनलाइन रिटेल मार्केट अगले 5 साल में 3 गुना बढ़ सकता है। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर देश में फैल रहा है, जिस तरह से लोग डिजिटल मोड में जा रहे हैं, जिस तरह से युवा एक नहीं दो दो मोबाइल रख रहे हैं, जिस तरह से लोग टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, और एक चीज समझनी पड़ेगी, घर का कन्वीनियंस है, सेफ्टी है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, वैरायटी है, और क्लिक ऑफ अ बटन आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं, और जिंदगी में क्या चाहिए, आने वाला समय है ऑनलाइन शॉपिंग का जरूर है। लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, पीपल जा नहीं सकते थे शोरूम के अंदर, तो कंप्लीट टर्नओवर हो गया ऑनलाइन सेल के ऊपर, और इसका प्रभाव अभी भी चल रहा है। अभी जो कि बाहर जा सकते हैं, लेकिन एक हमें एहसास हो गया कि घर पे बैठ के अगर शॉपिंग कर सकते हैं तो हमें क्यों जाना है स्टोर के अंदर, क्यों एक रिस्क लेना है। और इसका फ्यूचर मैं समझता हूं कि काफी आगे है। अब ऑनलाइन मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ग्रोसरी भी तेजी से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। फिलहाल 50 से 60 अरब डॉलर के ऑनलाइन रिटेल मार्केट में प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 60% और सर्विसेज की 40% है। कुल ऑनलाइन रिटेल मार्केट में ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म, कंज्यूमर अप्लायंसेज और इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार का योगदान 50 से 60% है। ग्रोसरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल की हिस्सेदारी 9 से 13 अरब डॉलर है। धीरे धीरे ऑनलाइन के लिहाज से गैर पारंपरिक माने जाने वाले रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स भी इस मार्केट का हिस्सा बनने को तैयार हैं। ऑनलाइन मार्केट के बढ़ने की एक बड़ी वजह क्वालिटी, जागरूकता, सामान बदलने की आज़ादी और वारंटी है। इन खूबियों के चलते बीते एक साल में 73% ग्राहकों ने ऑनलाइन उत्पाद खरीदे हैं। 63% ग्राहकों ने खरीदारी के दौरान क्वालिटी पर जोर दिया है। सर्वे के मुताबिक 62% शहरी ग्राहक ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदारी से पहले उत्पादों के बारे में ऑनलाइन जानकारी जुटा रहे हैं। यानी अब शॉपिंग चाहे मोबाइल से घर बैठे हो या मार्केट में जाकर, ऑनलाइन उस खरीदारी का हिस्सा बन चुका है।